हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बुलेट ग्रुप में, मैं जितेंद्र। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड की टॉप 5 अपकमिंग बाइक्स के बारे में, उसकी लॉन्च डेट क्या होगी एंड उसका प्राइस क्या होगा। दोस्तों जैसे कि मालूम है कि रॉयल एनफील्ड ना जल्द ही जो है बहुत सारे मॉडल जो है आने वाले हैं, ड्यू टू कोविड ये सारे मॉडल डिले किए गए थे। और एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि मॉडल अब कब लॉन्च हो रहे हैं, तो वो डिटेल आपको इस वीडियो मिलने वाली है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हिमालयन का चीपर वर्जन जो कि है स्क्रैम मॉडल। एंड दोस्तों ये मॉडल जो है ना, इसका प्राइस की अगर बात करूँ तो ये जो करंट हिमालयन है उससे 15,000 से 20,000 तक सस्ती होने वाली है। इसमें बहुत सारे जो चेंजेस है ना वो किए जा रहे हैं। इंजन जो है वो सेम रहने वाला है, बाकी लुक में जो है बहुत ही ज्यादा जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एंड साथ ही साथ इसका जो लॉन्च डेट कहा जा रहा है वो इस ईयर के एंडिंग मतलब दिसंबर के आसपास जो है ये मॉडल जो आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों नेक्स्ट जो मॉडल है वो है हंटर 350। एंड दोस्तों क्लासिक नेक्स्ट जन के बाद अगर किसी और मॉडल का वेट किया जा रहा है तो वो दोस्तों है हंटर 350। दोस्तों उसका लुक जो है वो स्क्रैम्बल लुक टोटली दिया जाएगा। एंड साथ ही साथ जो है बहुत सारे फीचर्स जो है इसके टेस्ट किए जा रहे हैं। एंड इसका जो लॉन्च कहा जा रहा है वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के एंडिंग में कहा जा रहा है, मतलब 2022 के आपको मार्च एंडिंग के आसपास जो है इसका लॉन्च जो है देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों अभी तक सिर्फ इस मॉडल पे टेस्टिंग की जा रही है, बाकी कलर्स को लेके कोई भी डिटेल अभी तक नहीं है। अभी भी बहुत सारी टेस्टिंग इसके अंदर पेंडिंग है, बट 6 महीने का ड्यूरेशन जो है काफ़ी होगा आई थिंक, जिसमें कि मॉडल जो है आपका रेडी हो जाएगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों इसका जो प्राइस टैग कहा जा रहा है कि प्राइस किस प्राइस से स्टार्टिंग होगा, तो वो 1.80 लाख के आसपास जो है इसका एक्स शोरूम प्राइस जो है स्टार्टिंग प्राइस कहा जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट जो मॉडल है जिसका बहुत सारे राइडर वेट कर रहे होंगे, जिनको पावर एंड परफॉर्मेंस एक्चुअल में बाइक में चाहिए, जिनको टूरिंग ट्रिपिंग के लिए एक बाइक चाहिए, वो है क्रूजर 650। दोस्तों रॉयल एनफील्ड का ये मॉडल जो है बहुत पहले से स्पाई हो रहा था एंड 2021 के एंडिंग तक लॉन्च होने की बात हो रही थी, बट आपको मालूम ही है कि इस साल का सिचुएशन कैसा रहा है, इसके वजह से बहुत सारे मॉडल जो है डिले कर दिए हैं। अब जो इसका लॉन्च डिटेल कहा जा रहा है दोस्तों, वो आपको नेक्स्ट ईयर के मिड तक मिलेगा, मतलब आपको ये जो है सेम जून के आसपास तक, मई जून के आसपास तक इसका लॉन्च जो है देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों प्राइस जो है थोड़ा कॉस्टलियर साइड है, बिकॉज 3.5 लाख से लेके 4 लाख तक इसका प्राइस जो है स्टार्टिंग कहा जा रहा है। बट एक चीज़ और है दोस्तों कि इस पर रॉयल एनफील्ड बहुत ही ज़्यादा वर्क कर रही है इसमें इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। बहुत सारे फीचर्स जो हैं अभी तक जो रॉयल एनफील्ड नहीं है वो भी इसके अंदर दिए जा रहे हैं, जैसे कि USD जो फ्रंट फोक्स है वो भी जो है इसके अंदर आपको मिलेंगे। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 650, जिसको शेरपा मॉडल जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया में कहा जा रहा है। दोस्तों ये जो मॉडल है ना, बहुत पहले से जो है इसका न्यूज़ एंड अपडेट मिल रहा है, ये कोई नया डिटेल नहीं है। इसके पहले भी हमने बहुत बार जो है हिमालयन 650 के बारे में जो है सुना हुआ है। यह ऑलमोस्ट 2018 के स्टार्टिंग से जो था कुछ डिटेल इसकी आना शुरू हो गई थी कि 650cc में जो है हिमालयन आएगी। एंड वी एक्सपेक्ट कि 2020 तक जो है मॉडल आ जाना चाहिए था, बट बहुत सारे डिलेज जो है इसके अंदर देखने मिल रहे हैं। इसकी जो एक्चुअल फुटेजेस है स्पाई इमेजेस इसलिए नहीं देखने मिल रही बिकॉज ये इंडियन रोड पे भी टेस्ट नहीं हो रही है। अगर ये चेन्नई फैसिलिटी में जो है, रॉयल एनफील्ड का जो तमिलनाडु फैसिलिटी है, अगर वहाँ पर अगर टेस्ट हो रही होती तो कोई ना कोई टेस्टिंग या इमेज जो है आपको देखने को मिलती। बट ये जो है ऑनलाइन सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि ये जो है UK फैसिलिटी जो है रॉयल एनफील्ड की, वहाँ जो है ये टेस्ट हो रही है, बिल्ड हो रही है, इसके वजह से जो है यहाँ इंडियन रोड पे इसकी जो कोई भी इमेजेस जो है नहीं देखने को मिल रही। एंड ये जल्दी जो है इंडियन मार्केट में आएगी, अभी डेट जो है वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। प्राइस जो है वो एज्यूम किया जा रहा है कि प्राइस जो है इसका 4 लाख के आसपास जो है कहा जाएगा, बहुत सारे फीचर्स के साथ जो है इक्विप्ड रहेगी। एंड दोस्तों वैसे भी आपको मालूम है कि हिमालयन का भी ना अभी मार्केट जो है कॉम्पिटिशन आ गया है। पहले क्या एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक कहा जाता था इसको हिमालयन को, बट अभी जो है KTM भी आ चुकी है 250cc में, उसके 390cc मॉडल भी आ रहा है, अभी उसका 790cc मॉडल भी आ रहा है KTM का ही। एंड BMW के भी जो है 310 मॉडल जो है GS का वो भी है। तो अभी बहुत सारी जो है एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक जो है बन चुकी है। दोस्तों फिफ्थ जो अपकमिंग बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 350cc मॉडल। एंड दोस्तों ये मॉडल क्रिएट किया जा रहा है, एक चीपर वर्जन जो बनाया जा रहा है इंटरसेप्टर का। एंड बहुत सारे राइडर क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि इंटरसेप्टर के साथ साथ जो है कॉन्टिनेंटल GT 350cc मॉडल भी आएगा क्या। दोस्तों इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, GT का कोई भी हमने स्पाई इमेजेस या डिटेल जो है अभी तक नहीं मिल रहा है। बट हाँ, इंटरसेप्टर की हमने ऑलरेडी जो है वीडियो देखी थी जिसमें कि टेस्टिंग हो रहा था 350cc जो मीटियर का इंजन था वो फिट के साथ में। तो दोस्तों ये मॉडल जो है आपको ईयर एंडिंग, नेक्स्ट ईयर एंडिंग के आसपास देखने को मिल सकता है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में है इसका लॉन्च जो है आपको देखने को मिल सकता है। एंड बहुत सारे फीचर जो हैं आपको सिमिलर ही मिलेंगे, जस्ट लाइक जो इंटरसेप्टर 350cc जो 650cc मॉडल है उसकी तरह ही आपको 350cc मॉडल में भी
आपको जो है बहुत सारे फीचर देखने मिलेंगे। इसका जो प्राइस टैग कहा जा रहा है 1.90 लाख के आसपास में जो इसका प्राइस है वो रहेगा। आई होप दोस्तों आपको रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग बाइक का जो लॉन्च डेट है, बेसिक डिटेल है या फिर उसका लॉन्च प्राइस क्या क्या होने वाला है वो टोटली क्लियर हो चुका होगा। एंड दोस्तों बहुत सारे राइडर इस पर क्वेश्चन पूछ रहे, तो मैं सोचा कि एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपको देता हूँ जिसमें अभी तक जो डिटेल है वो मैंने सारी दे दी है। एंड आई होप अगर इसमें कुछ चेंजेस आता है तो मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में जो है अपडेट कर दूंगा। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। बाय।